ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए अपने दिन की शुरुआत अपनी अरदास, अपनी हाजिरी अपने बाबा के चरणों में लगाते हुए सबके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं और सबकी लाइफ अच्छे से हो, सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, सारे भक्त शिरडी जाएँ और बाबा सबके घर पे आएँ और बाबा का दर्शन सबको हो। इसी प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो बाबा अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और बाबा की पूजा भक्ति के लिए आपको किसी विधि विधान की ज़रूरत नहीं है, बाबा की पूजा के लिए आपको सच्चे दिल, श्रद्धा, भाव और अटूट विश्वास की ज़रूरत है। ऐसा विश्वास जो आपको कभी गिरने नहीं देगा। हर वक्त आपको लगेगा कि बाबा आपके अंग संग हैं। आप जहाँ पर भी बुलाओगे ना, हर वक्त बाबा आपके पास होंगे। शिरडी नहीं गए हो तो चिंता मत करना, एक दिन ज़रूर जाओगे, लेकिन जब तक नहीं जा रहे हो तब तक उस शिरडी वाले को ही अपने घर में बुला लो, वो ज़रूर आएगा। अगर सच्चे दिल से बुलाओगे ना तो वो बहुत दयालु है, उनका दिल तो एक मिनट में पिघल जाता है अगर भक्त सच्चे दिल से बाबा को पुकारता है तो, क्योंकि बाबा एक माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो सबकी माँ भी हैं, पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं। जिस रिश्ते से मानोगे वो हर रिश्ते में विराजमान है, वो हर रिश्ते में आपको प्यार देगा। और ये मेरे कहने से मत मानो, आप खुद मान कर देखो, खुद उसे बुला कर देखो, वो ज़रूर आएंगे। बस आपका जो भाव है वो सच्चा होना चाहिए, आपके मन में किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होना चाहिए। बस वो ज़रूर आएंगे, वो आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि बाबा के लिए बाबा का भक्त बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा। तो आइए हम अपने बाबा से उन सभी लोगों के लिए प्रेयर करते हैं जिनको बाबा पर विश्वास है और जो गंभीर बीमारी से, परेशानियों से लड़ रहे हैं। तो हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि बाबा उनकी परेशानी को, उनकी बीमारी को ठीक करें और उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। क्योंकि देखिए, परेशानी हर व्यक्ति को है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परेशान ना हो, जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ऐसा कोई नहीं है। हमारे देवा है ना, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जब उन्होंने इस धरती पर थे तो बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन वो भगवान थे। तो हम बाबा की तुलना तो नहीं कर सकते, बाबा की तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा के रास्तों पर तो चल सकते हैं ना। तो आइए हम धीरे धीरे करके अपने सबूरी को अपने अंदर धारण करते हैं, और ये सबूरी तभी आएगी जब हम बाबा पर विश्वास करेंगे, बाबा से प्यार करेंगे, तो धीरे धीरे हर चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और बाबा से कहते हैं कि देवा हमें आशीर्वाद देना और आपके रास्तों पर चल सके, ऐसा बनाना बाबा हमें। और आज जिन लोगों के लिए प्रेयर की जा रही है उनके नाम है निधि जी, तापस दहल जी, प्रवीण रावल जी, सरोज जी, पूनम गोंदनी जी, किशोर कुमार जी, जगमोहन जी, राजकुमार बजाज जी, बिनु राघवन जी, रिसिते जी, रूपा जी एंड ऑल फैमिलीज। हे बाबा, श्रद्धा की लाज रखना बाबा, दया करना इन सब की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हो, इन लोगों की जो भी प्रॉब्लम हो वो जल्द से जल्दी ठीक हो जाए। साईं रहम करें, साईं दया करें और इन लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाए। आप लोग भी ज़रूर प्रेयर करना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, चिंता नहीं करना, साईं है ना, संभाल लेंगे। आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया उस कारण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। साईं आपका भला करे, साईं सबका भला करे। जय साईं राम।